उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने आज मुरादाबाद पहुंचकर योगी सरकार के 4 सालों का लेखा जोखा पेश किया और पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव की पीसी के दौरान पत्रकारों पर हमला प्रकरण पर बोलते हुए कहा कि घटना निंदनीय है और पूरी सरकार मीडिया का सम्मान करती है। उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार के 4 साल पूरे होने पर भाजपा इन सालों की उपलब्धियां गिनाने और बताने के लिए सभी जनपदों में सरकार से जुड़े मंत्री पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह मुरादाबाद पहुंचे थे। योगी के मंत्री ने आज दिल्ली रोड स्थित राई होटल में पात्रों को सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र बांटे और सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार की योजनाओं का गुणगान किया। इस अवसर पर पत्रकारों ने अखिलेश यादव की पीसी में पत्रकारों से अभद्रपूर्ण व्यवहार और मारपीट प्रकरण पर सवाल किए तो योगी मंत्री ने कहा कि सरकार मीडिया का सम्मान करती है और इस मामले को गंभीरता से देख रही है। जितनी योजनाएं हमारी चल रही है उसमें सब में मुरादाबाद को लाभान्वित किया है। अभी 2,40,000 किसानों को लाभान्वित किया है जो हमारे किसान सम्मान निधि है। 25,000 आवास दिए गए हैं शहरी और ग्रामीण इलाका के जिनको सबको लाभान्वित किया है। 1,74,000 शौचालय बना करके दिए गए। 1,26,000 गैस के कनेक्शन दिए गए। 55,000 हमारे LED बल्ब वितरण किए गए हैं। तो हर दृष्टि से उत्तर प्रदेश ने मुरादाबाद को पूरी तरीके से विकास करने के दृष्टि से। मंत्री जी, आगामी पंचायत चुनाव को लेकर क्या रणनीति है, क्या 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 स्थिति रहने वाली है? भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है और हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और बहुत अच्छी तरीके से। जयंत चौधरी कह रहे हैं कि भाजपा डरी हुई है इसलिए अभी तक के जितने चुनाव हुए उसमें सब में भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त किया है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरीके से तैयार है और हमारा बूथ स्तर का ऑर्गेनाइजेशन किसी के पास है तो हमारे पास है। पन्ना प्रमुख हमारे तैयार हैं, संगठन पूरी तरीके से तैयार है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे स्वतंत्र देव जी रात दिन इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारे सभी विधायकगण, हमारे सभी अध्यक्षगण, बाकी पूरी टीम लग करके काम कर रही है। निश्चित रूप से हम सब लोग इसमें भी विजयी होंगे और तेजी के साथ 2022 में भी भारी मतों के साथ सरकार बनाएंगे, क्योंकि अभी सी वोटर का सर्वे आया, आप लोगों ने देखा है, उसमें भी योगी सरकार बहुत आगे है। किसान को पूरी सरकार समर्पित है, किसानों के लिए हर तरीके का काम हम लोग कर रहे हैं। 46 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 36,000 करोड़ रुपए कर्जे की माफी की गई। हम लोगों ने 378 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न को खरीदा है MSP के आधार पर, जिसके लिए हम लोगों ने 66,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया। यह सरकार पूरी तरीके से किसानों को समर्थन। सर, अभी पिछले दिनों अखिलेश जी के द्वारा पत्रकारों पर हमला हुआ, डीजल और गैस की कीमतों के लिए अब कंटिन्यू पूरी योजना है और पूरी तरीके से सरकार सब चीज़ों पर नियंत्रण रखती है। निश्चित रूप से सरकार लोगों के लिए और किसानों के लिए समर्पित है और इसलिए हर कोई मोदी योगी योगी कर। सर, अभी पिछले दिनों अखिलेश जी ने पत्रकारों पर हमला किया, सर उस पर आप क्या कहेंगे? अरे महंगाई रुको एक मिनट यार। जी, सर, पिछले दिनों अखिलेश जी ने पत्रकारों पर हमला कराया, उसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि पत्रकार हम सब लोगों के चौथे स्तंभ हैं, मीडिया हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है और ये जो कुछ भी घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। लेकिन सर मैंने आपको बताया ना, पूरी तरीके से सब कुछ नियंत्रण में। सर खाली मंत्री जी, अखिलेश यादव और मायावती ने ट्वीट किया 4 साल की सरकार को लेकर, क्या कहें सर पत्रकारों की बात के लिए हम लोग यहाँ आए थे। सर, आपकी जितनी योजनाएं हैं अच्छी हैं और हम लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन मैं खाली ये पूछना चाहता हूँ कि पत्रकारों के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ, कानून मंत्री जी बयान देते हैं हम पत्रकारों के साथ हैं, लेकिन पत्रकारों के पास ना तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचता है, ना ही शासन से कोई उनको मदद पहुंचती है, ना कोई उनके हाल जाना जाता है। तो ये क्या है मामला कि हम पत्रकार ये समझें कि समाजवादी और भाजपा मिले हुए हैं? पूरी तरीके से सद्भावना आपके साथ है, हम सब लोग आपके साथ हैं। आप हम पे जो कुछ कहना हो आप अलग मिलिए बताइए, हम सब लोग आपके साथ हैं, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसे कभी मत सोचिए कि हम आपसे अलग हैं, हम सब लोग मिलकर के काम करते हैं और इसलिए हम सब लोग आपके साथ।